मैं बोला आई रे मेरा नंबर बोल दे रहे नो, फिर बाद में हमारे ऊपर बड़ा ये मैडम अश्विनी मैडम आप ये ओके पीछे जा रहे हैं आप भी करो भैया मुझे मिलो तुम बताओ उसको उड़ा के बताओ मैडम थोड़ा खरीद लीजिए मैडम सब लोग भी छोड़ो भाई मैडम एक परिंदा खरीद लीजिए तुम्हारे भाई समीर भाई समीर भाई वो जी करो जी समीर भाई जाली पलटा होता उठाओ पर खाली जाली को हिलाओ उड़ जाते पूरा कबूतर छोड़ो छोड़ो राम नमस्ते मैम देखिए कौन से गेम मेरा कभी भी इनो था अच्छा थैंक यू फॉर मैडम की तरफ से थोड़ा सा इधर देखिए हमें इधर देखिए भाई हो गया ना भाई मैडम यस वन सेकंड अश्विनी मैडम मैडम यहाँ बुला लो आपको जितना मोबाइल फोन में जितना जूम रहता ना सामने से दूर से भी ले सकते मोबाइल फोन सामने से ले सकते वन सेकंड वन सेकंड थोड़े मास्क निकालो ना मास्क थी आंटी मेरे इधर नाम लिखने के बाद इधर आता इधर पकड़ के इधर से जाता पूरा बुक हो गया जब तक तो जब तक
अम्मा इधर से उधर से उधर से उधर से जाओ अम्मा आ रहे यहाँ से वहाँ से कैसे भाई टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर दो मैडम को पीछे से चले जाओ ना आज मेरा जो ट्रस्ट है राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट ये हमने 2010 में ओपनिंग किया था इसको तो तब से हम हर एक जगह कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं ये लास्ट 5-6 साल से हम ये रमज़ान के महीने में सब लोगों को अलग अलग एरिया में कुछ ना कुछ करते हैं हमारे ट्रस्ट के तरफ से आज ये हमारे जो वेल विशर है मेरे फादर के जैसे है बाबा जी इनके बोलने से आज पूरे गरीब लोगों को इधर जो भी हम कर सकते थोड़ा सा जो भी हम कर सकते वो करना चाह रहे हैं तो आज ये जो सब लोगों को दे रहे हैं मैं सोच रही हूँ कि ये सबको अच्छा सा यूज़ हो जाए और ऐसा मेरा एक ही है भैया ये ऐसा हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ भी नहीं रहता हमारे ऊपर ये जो भी है मुझे मेरा हमेशा यही है कि हम सब मिलजुल के एक जैसा रहने का है और सब लोग एक एक को हेल्प करके सब लोग अच्छा रहना हैप्पी रहना चाहिए तो यही है मेरा हमेशा मेरा आइडिया यही है तो इसीलिए ये इधर आए और जो हम कर सकते हैं वो करना चाह रहे हैं आप लोगों को ये थोड़ा इनाम हम दे रहे हैं आप सब लोगों को जो भी गरीब लोग हैं ये रमज़ान के दिन ये महीने में ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम है मेरा राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से आप सब लोगों को इधर थैंक यू सो मच मैंने एक महीना हो गया है शायद हमने एक इंटरव्यू दिया है तो सब लोग ये सोच रहे कि मैं मैरिज फिक्स करने वाली हूँ नहीं नहीं मैं क्या करती हूँ अगर आपका मैरिज जो फिक्स होएगा मैं उन लोगों को शादी कराऊँगी जो कपल का अगर शादी फिक्स हो गया तो मैं उनको शादी कराऊँगी जो दो जो थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं क्या क्या देना है आइटम जब वो लड़की उनके ससुराल को जाएगी वो सब हमारे ट्रस्ट के तरफ से हम 100% सबको करेंगे हमारा ये है कि यानी आप मैरिज ब्यूरो नहीं चला रहे हैं गरीब लोगों की मदद करना चाह रहे हैं मैं मैरिज ब्यूरो नहीं चला रहे भाई ये मेरा सिर्फ यही है कि जिस जिस को शादी पक्का हो जाए मैं उन लोगों के लिए उनका शादी करने में डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगी और जब लड़की ससुराल जाती है तो उनको उनके साथ जो भी भेजना है वो सब हमारे ट्रस्ट के तरफ से हम आप लोगों को करेंगे और एक क्या है मैं आज ही बोल रही हूँ कि पहले इंटरव्यू में मैंने नहीं बताया मगर जो भी गरीब बच्चे हैं जिसको भी अगर स्कूल को जाना है आप सब लोगों को मैं उनका जो स्कॉलरशिप है थोड़ा जो फीस है वो सब भी हम गरीब लोग हैं जो लोग नहीं दे सकते भैया हमेशा मैं शादी के लिए भी मैंने वही बताया आज मेरा ट्रस्ट का जो काम चल रहा है वो भी मैं वही बताने चाह रही हूँ और बच्चों का भी वही बताने जिस जो लोग बहुत गरीब है जो जिसका बहुत दिक्कत हो रहा है उन लोगों को मैं 100% हेल्प करूँगी
और मेरा हेल्प भी ऐसा रहेगा, मुझे 10 बार आना है इधर, मैं आऊँगी, मगर मैं देख के मैं पूरा उनसे मिल के बात करके तभी करूँगी। ऐसा नहीं कि कोई आके मुझे लिस्ट दे दे मैडम ये है करो, ऐसा नहीं कर सकते मैं। तो मैं 100% सब लोगों को मिलूँगी, इंटरव्यू मैं भी लूँगी, वो लोग भी मेरे घर को 100% आ सकते हैं, मिल के बात करके अगर वो मुझे लग रहा है कि नहीं इनको मेरा ट्रस्ट का ज़रूरी है तो 100% मैं हेल्प करूँगी। मैंने उस दिन भी बोला है कि मैं इधर आऊंगी तो मैं इधर आके आप लोगों को करे वैसा ही शादी का भी है और पढ़ाई का भी ऐसा ही देखेंगे। उनके लिए मैडम फीस बनेंगे उनके बच्चों की, जो नहीं पढ़ा सकते पैसे नहीं रहने की वजह से जो नहीं जा रहे स्कूल को। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी है भैया, आपको मिल जाता भाई? नहीं, मैंने एक बार ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर दिया तो सब लोग मुझे शादी फिक्सिंग के लिए फोन कर रहे हैं। तो अभी क्या है ना, मैं जो नंबर दूंगी ना, आप पहले मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए आपका डिटेल्स, तब मैं व्हाट्सअप देख के मैं हम ही आपके पास आके फोन मिलके फोन भी फोन पर 12 जनों का शादी फिक्स हो गया, 12 गरीब जोड़े आ गए, 12 गरीब जोड़ी जोड़ी आ गए हमारे पास, 20 तक का कैपेसिटी है। मैडम चाह रहे 20 शादियां करना चाह रहे गरीब लोगों के, तो शादियां कैसा है बोले तो गरीब लड़का गरीब लड़की दोनों आपस में राजी होके आना, बाकी का जो भी खर्चा है मैडम उठाएंगे, शादी का खर्चा, शादी तो मेरा पूरा बाबा जी बात कर रहे हैं, उनसे ही बात कर रहा मैडम देख ले, करेक्ट बोल रहे बाबा जी। ऐसा नहीं कि भाई वो शादी का रिश्ता है हमारे को, ऐसा नहीं, जैसा कि एनी टाइम है शादी का नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये खाली ये आप समझो एक ये एक टीम होगा, उसके बाद एक 6 महीने के बाद फिर एक टीम ऐसा करेंगे, कंटिन्यू नहीं रहता है, साल 6 महीने में एक बार एक ग्रुप बनेंगे 20 शादी का। ये तो अभी ये रमजान के बाद लास्ट वीक समझो, मिनिमम मुझे